हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनबॉक्स एजुकेशन। आपको पता ही है मैं स्टूडेंट के लाइफ के प्रॉब्लम, कंफ्यूजन और डिसीजंस पे बातें करता हूं। आई एम रियली सॉरी, काफी दिनों से वीडियो आपके बीच नहीं ले आके आ पाया। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एजुकेशन लोन के लिए कैसे आपको मदद मिलेगी, आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एजुकेशन लोन्स पे काफी वीडियो बनाई है और उसको आपने काफी प्यार भी दिया है, बट जैसे 2023 सेशन में अब बच्चे एडमिशन लेंगे हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, तो जरूर वो लोन प्लान कर रहे होंगे। लोन की जरूरत पड़ती क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। 12th तक तो आपकी फीस इतनी ज्यादा नहीं होती कि आपको लोन के लिए जाना पड़े स्कूल्स में, लेकिन जब 12th के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, हायर एजुकेशन में अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हो, तो वहां फीस बहुत ज्यादा होती है, जिसको मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए लोन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है एजुकेशन लोन के अलावा। तो कैसे मिलेगा इस वीडियो में जानेंगे, क्या प्रोसेस होते हैं जानेंगे, रिपेमेंट कैसे करना है जानेंगे, आपके जितने भी क्वेरी है इसको भी हम लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो और वीडियो को पूरे अंत तक देखना, मैं इसको बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ एजुकेशन लोन के बारे में। सबसे पहले क्या है कि अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो पहले डिफरेंट बैंक्स में जाकर आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन आज एक सिंगल पोर्टल है जिसके थ्रू आप एजुकेशन लोन लेने के लिए अप्लाई करोगे और एकमात्र वही रास्ता भी है, दैट इज विद्यालक्ष्मी पोर्टल। विद्यालक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप बहुत सिंपल है, अगर आप जाएंगे, मैं दिखा रहा हूं वेबसाइट आपको अभी स्क्रीन पे, आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे चले जाइए, वहां बेसिक ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा। इसके बाद एक बेसिक फॉर्म, डिटेल फॉर्म खुलेगा जहां पे आपको सारे डिटेल्स अपने भरने हैं, नेम, फादर नेम, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें। जब एक बार आप ये सारी चीजें भर लेते हैं तो उसके बाद आपको बैंक का ऑप्शन आएगा, आप किस बैंक से लोन चाहते हैं। 5 आप नियर नेबरहुड के बैंक को वहां पे फिल कर सकते हैं। करीबन ये सक्सेसफुली अगर आप अपलोड कर लेते हैं, एक चीज ध्यान रखना, ओवरराइटिंग मत करना, गलत डिटेल मत भरना, क्योंकि इसमें बार बार एडिट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, सर्वर डाउन होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो परेशान मत होना किसी तरह से। रास्ता यही है, विद्यालक्ष्मी पोर्टल के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो पेशेंस रखना, सही से डिटेल भरना, बार बार एडिट नहीं कर पाओगे तो इस बात का ध्यान रखना। जब ये कर लेते हो, सक्सेसफुली आपका प्रोसेस हो जाता है, तो करीबन 20 दिन के बाद आपको बैंक, 15 से 20 दिन के आसपास बैंक, आपको बैंक से कॉल आ जाएगा, तब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके बैंक मैनेजर से मिलना होगा। लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये कंप्लीटली बैंक मैनेजर के विवेक पे निर्भर करता है, आपके डॉक्यूमेंट कितना, आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है, इस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने विद्यालक्ष्मी पोर्टल में डिटेल भर दिया तो आपको लोन मिल ही जाएगा। बैंक मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेटेज देखेगा और उसके बाद जो है वो लोन प्रोसेस करेगा, क्योंकि एजुकेशन लोन में एनपीए बहुत पड़ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब स्टूडेंट लोन तो ले रहे हैं लेकिन उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से अब बैंक फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व करने के बाद ही लोन देगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, देखो दो तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक डॉक्यूमेंट जो बैंक आपसे चाहता है, आप मतलब स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स से, दूसरा जो बैंक जो कॉलेज से चाहता है। पहले कॉलेज की बात कर लेते हैं, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो उनका एफिलिएशन लेटर, आइदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का और AICTE का, ये दो लेटर तो मैंडेटरी हैं, ये दो लेटर चाहिए ही चाहिए। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर मांगेगा बैंक। अब फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फीस हो सकती है, आप चाहो तो हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड करा सकते हो, और उसके बाद ट्यूशन फीस में आप पूरा हॉस्टल का भी लोन ले सकते हो। एंड थर्ड इज प्लेसमेंट रिकॉर्ड। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज वेरी मैंडेटरी, बैंक प्लेसमेंट रिकॉर्ड मांगेगा ही, क्योंकि बैंक चाहता है कि अगर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहां से आपको निकलने के बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इतने डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज से मांग लेने हैं। एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज से लेना है, ठीक है, इतना चीज आपको बैंक कॉलेज से ले लेना है। नाउ अगर आपकी बात करें तो वो स्टूडेंट को, स्टूडेंट का आधार कार्ड, स्टूडेंट का पैन कार्ड, स्टूडेंट के एकेडमिक डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, PC, माइग्रेशन, ये सारी चीजें, साथ में जो को बोरोवर रहेंगे, को एप्लीकेंट रहेंगे, जो जनरली पेरेंट्स होते हैं, अपने ब्लड रिलेशन के लोग होने चाहिए और पेरेंट्स ही होते हैं, तो को बोरोवर का आधार कार्ड, को बोरोवर का पैन कार्ड और को बोरोवर का इनकम टैक्स रिटर्न, ITR बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ITR से ही आपके जो है पूरे के पूरे एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट का वेटेज बढ़ता है। सो अगर आपके पेरेंट्स के पास ITR नहीं है तब फिर बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बैंक खोजेगा, लाइक आपका LIC कितना है, आपके फिक्स डिपॉजिट कितने हैं, आपका घर अपना है कि नहीं है, ये सारी चीजों को देखने के बाद बैंक आपके लिए शायद से लोन प्रोसेस करेगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया
कि कैसे प्रोसेस होगा, अब रीपेमेंट कैसे करना है। एक बार एजुकेशन लोन मिल गया, लोन तो सबको अच्छा लगता है कि उसको लोन मिल गया, लेकिन रीपेमेंट का भी मसला होता है। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की, तो 9% से 11% के रेट के बीच में फ्लोटिंग फिक्स्ड ये इंटरेस्ट रेट हो सकता है। अलग अलग बैंक्स का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होगा, आप देख लेना कि आपके लिए कौन सा जो है वो इंटरेस्ट रेट सूट करता है। रीपेमेंट शुरू हो जाएगा, अगेन ये भी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली प्रोबेबली क्या होता है कि जैसे जैसे बैंक आपको लोन डिसबर्स करता जाएगा, वैसे वैसे बैंक सेमेस्टर वाइज डिसबर्स करेगा, आपको डिसबर्स नहीं करेगा, बैंक पैसे डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में देगा बाय चेक और बाय डीडी। नाउ अब मान लो बैंक ने एक सेमेस्टर की फीस दी, आपने 2 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, आपकी सेमेस्टर फीस 50,000 है, तो उस 50,000 पे इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा आपका डे वन से। जैसे ही बैंक चेक काटकर कॉलेज को देता है, उस दिन से ही जो है आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर अगेन सेकेंड सेमेस्टर में 50,000 रुपए देता है, तो आपका टोटल जो इंटरेस्ट बन जाएगा ना वो 1 लाख पे बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपको समझ में आ गया। रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होता है, जनरली नेशनलाइज बैंक में 7 से 10 साल के बीच में आप रीपेमेंट कर सकते हो, प्राइवेट बैंक में भी 5 साल से 7 साल के बीच में आप रीपेमेंट कर सकते हो। मतलब क्या, 2 साल के बाद 1 साल आपको और टाइम देता है बैंक, जब आपको जॉब मिल जाए, जॉब लग जाए, और जॉब लगने के बाद बैंक फिर जो है आपसे रीपेमेंट शुरू करता है, तो आप उसको 7 साल में, जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए लिया, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको आप 7 साल में ईएमआईज में वो कैलकुलेट कर देता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल भी रहता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको रीपेमेंट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। जो जनरल क्वेश्चन होता है, आपके पास विद्यालक्ष्मी पोर्टल को छोड़कर और कोई ऑप्शन नहीं है, आपका सर्वर डाउन है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपका बैंक मैनेजर लोन देगा नहीं देगा ये बैंक मैनेजर के विवेक पर निर्भर करता है, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में जाएगा, आप बैंक लोन में हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड करा सकते हो। अगर कई कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर 15-20 दिन में नहीं आया तो वहां से, देखो गवर्नमेंट वेबसाइट है, हो सकता है अप्रूवल नहीं आएगा, तो इंतजार करो, इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब कोई पूछते हैं कि सर ITR नहीं है, कोबोरोवर नहीं है, तो क्या करूं, बहुत टफ है क्योंकि NPA बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अब बैंक बहुत ज्यादा जो है वो स्मार्टली काम करता है और पूरा का पूरा तसल्ली करने के बाद ही एजुकेशन लोन देता है। इस वीडियो में आई होप मोटा मोटी चीज सारी क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में डालना, कमेंट में डालोगे तो फिर मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाकर अनबॉक्स एजुकेशन चेक कर सकते हो और वहां पर भी आप मुझसे बातें कर सकते हो, डेफिनेटली वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। दिस इज अभिषेक एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना अपने आसपास वालों का ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, टेक